हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो मैं आज का ब्लॉग आपके साथ सुबह सुबह ही शुरू कर रही हूँ। तो मैं आई थी खेत में और ये देखिए गाइस, यहाँ पे शायद हमारे कोई जंगली जानवर आया होगा या कोई जैसे कुत्ते वगैरह होते ना, या वो आए होंगे। तो हमारे जो किनारियों वाली थी ना, हमने जो जानवरों से बचाने के लिए रखी थी, तो ये देखिए कैसे कि गिर चुकी है। और ये चारों तरफ हमने बांधा था ना, तो ये सारा गिर चुका है। हमारे यहाँ जंगली जानवर अब ऊपर जंगलों में आग लग चुकी है, तो खेतों के लिए आते हैं जंगली जानवर और हमारे खेतों का करते हैं विनाश। और ये देखिए गाइस, अब हमने यहाँ पे लगाए थे टमाटर, तो बीच बीच में से कुछ पौधे मर चुके हैं और कुछ बचे हुए हैं। तो आज हम इसकी करेंगे छिपाई, मतलब जो शुरू में करते हैं ना, तो हमारे यहाँ बोलते हैं छिपाई यानी कि गुड़ाई। तो हम करेंगे इसकी शुरुआत। तो ये देखिए गाइस, मेरा खेत इतना बड़ा है, तो अब मैंने हाथ में कुदाल ले लिया है और मैं करूँगी इसकी गुड़ाई यानी छुपाई। छोटे छोटे हमारे खिलने होते हैं ना, तो मैं उसके साथ करूँगी इसकी छुपाई और साथ में लगाऊँगी इसमें मक्की। और आधे खेत में है टमाटर, आधे खेत में है हमारे शिमला मिर्च लगी हुई, तो साथ में करेंगे शिमला मिर्च की भी। और मेरे हस्बैंड इसमें अभी गुड़ाई कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, मैंने इस खेत में क्या क्या उगाया है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। पहले तो ना इस जो हमने टमाटर के पौधे लगाए थे ना, तो मैं इसकी सिंचाई कर रही हूँ और इसके बाद करूंगी इसकी छुपाई। मतलब अभी छोटे हैं ना, तो अभी छुपाई होगी मतलब, और जब बड़े होंगे तो तब बड़े खिलने से इसकी गुड़ाई होगी। तो मैं यहाँ पे कर रही थी सिंचाई ताकि बूटा ना सूख सके। तो कुछ हमने थोड़े पहले लगा लिए थे और कुछ दो तीन दिन बाद लगाए थे उसी खेत में, तो यहाँ थी पहले तो मैं सिंचाई कर लेती हूँ ना, उसके बाद ही मैं दूसरे खेत में इसके साथ ही मतलब आधे खेत में करूँगी छिपाई। तो मैं यहाँ पे कर रही थी सिंचाई जो कि हमारे पाइप द्वारा की जाती है। ये मोटर की सहायता से हमने बनाए थे ना नीचे टैंक, तो मोटर लगाई हुई ना उसमें, तो मोटर की सहायता से ही इसे पानी को चढ़ा रहे थे और मैं इसके साथ सिंचाई कर रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे कद्दू और खीरे लगाए थे, तो देखिए गाइस मेरे कद्दू लगने हो चुके हैं शुरू। ये देखिए गाइस मेरी कद्दू की ग्रोथ, तो ये इसको बोलते हैं जुगनी। ये देखिए गाइस, और कहीं कहीं तो फूल लगा है। ये देखिए गाइस, और ये इसमें भी लग चुके हैं जुगनी। ये देखिए गाइस, और बीच में मैंने इसी के बीच में भी लगाया था मैंने खीरा। तो मैं बताती हूँ कि मेरे खीरे ने भी काफ़ी ग्रोथ ले चुकी है। ये देखिए गाइस, ये है खीरा, तो इसने भी अब काफ़ी ग्रोथ ले चुका है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी, इसकी सपोर्ट के लिए लगाया तो है डंडा, लेकिन अब मैं इसको इसकी सपोर्ट के लिए लगाऊंगी और इसे बांध दूंगी। और ये है, इसमें भी लग चुके हैं मेरे खीरे। देखिए गाइस, ये ना मैंने मिर्चों के ऊपर ऊपर दी साइड लगाए थे ना, तो ये काफ़ी ग्रोथ ले चुका है। और साथ में शिमला मिर्च, शिमला मिर्च में भी थोड़े फूल पड़ने शुरू हो गए हैं। अगर बारिश हो जाती तो ये ज़्यादा ग्रोथ लेता। सिंचाई का इसमें कोई ऐसा नहीं होता ना, जो बारिश की बात होती है वो बारिश की ही होती है। जब खेत का काम ख़त्म हुआ ना, तो हमारे को डंगरों का करना पड़ता है अपने, जैसे हमने गाय वगैरह पाली है ना, तो उनके लिए मैं अब डाली के लिए आई हूँ, तो मैं उनके लिए ये पत्तियाँ निकालूंगी और ऊपर पेड़ में चढ़ूंगी, इस पेड़ में जो आपको दिखा रही हूँ, और मैं इसमें चढ़ चुकी हूँ और अब निकालूंगी मैं गाय के लिए पत्तियाँ। मैं काफ़ी ऊंची जा चुकी थी, इसमें जो पत्तियाँ थी ना वो काफ़ी ऊंचाई पर थी, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी इस पेड़ पर चढ़ना। पर क्या करें, जब हमने जानवर रखे हुए हैं तो हमें तो ऐसा काम करना ही पड़ेगा, जो उनसे हम दूध घी वगैरह खाते हैं ना,
तो कुछ ना कुछ मुशक्कत तो करनी पड़ेगी। तो मैं चढ़ चुकी थी पेड़ में और फिर निकाल रही थी मैं ये इसकी टहनियों में पत्तियाँ ना थोड़ी आगे आगे थी ना, टहनियाँ काफ़ी लंबी थी तो मैं इस टहनियों को काट रही थी। जो ये टहनियाँ होती है ना, तो ये हमारे जैसे टमाटर वगैरह लगाते हैं ना तो उसमें डंडे जो लगाते हैं ना, तो ये टहनियाँ उसके काम भी आ जाती है। और आगे से निकालेंगे इसमें जो इसमें हरी हरी पत्तियाँ होती है ना, तो वो भी निकालेंगे। हम बोलते हैं इसे खड़क। तो मैं आज खड़क की डाली के लिए चढ़ी थी, मतलब इनमें से डंडे भी निकालने थे और गाय के लिए घास भी हो ही जाना था हमारे। तो मैं ऐसे निकाल रही थी इसमें से, और नीचे मेरे हस्बैंड अब इसको डंडों खींचेंगे और इसमें से निकालेंगे हरी हरी पत्तियाँ जो कि हम गाय के लिए ले जा रहे हैं। साथ में दिखाती हूँ मैं आसपास का व्यू आपको। चारों तरफ धुंध ही धुंध दिख रही है, लेकिन बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है। और इस धुंध की वजह से ना हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी हो चुकी है। तो पहले जो बारिश हुई थी ना तो उससे थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन अब वैसा ही मौसम हो गया है। ये देखिए गाइस, इसे बोलते हैं तेज पत्ता। ये देखिए माउथ वाश का काम करता है, जैसे शुगर वगैरह हो ना तो उसमें भी ये काम आता है। जो इसके पत्ते हैं या जो इसमें फ्रूट लगा हुआ ना, इसको दो दाने मुंह में डालो और थोड़ा थोड़ा देर बाद देखना आपने कि जैसे माउथ वाश में होता ना सारा मुंह का गंदा पानी होता तो सारा निकाल देता, तो कुछ ऐसा है ये तेज पत्ता। हमारे यहाँ बोलते हैं इसे तिमरे। तो इसकी दांतुन भी बहुत अच्छी होती है, जैसे दांत वगैरह ख़राब हो या कुछ इसमें कीड़ा वगैरह लग जाए ना, तो इसके लिए बहुत ही गुणकारी होती है ये। ये जंगली औषधि होती है, तो हमें इतना पता नहीं है पर इसकी दवाइयाँ वगैरह ऐसे बनती, पर हम तो यहाँ इसकी दांतुन वगैरह ऐसे करते हैं। और ये है पूरा माउथ वाश का काम करता है और दांतों को बहुत ही अच्छी तरह से चिपकाता है। ये रहा कुछ ऐसे तेज पत्ता। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।